नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, 13 फरवरी 24 को जो आईबीए और यूबीयू के बीच में वेज निगोशिएशंस 12 बाइपार्टाइट 9 ज्वाइंट नोट के बारे में डिस्कशन था और उसका जो आउटकम आया वो एज यूजुअल नथिंग। आपने देखा होगा कि 13 फरवरी का सर्कुलर जो हमारे विभिन्न यूनियंस ने, AIBA ने, UFBU ने, फिर IBOC ने, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सबने रिलीज किया है एंड दैट वाज द वन ड्राफ्ट लेटर स्टीरियोटाइप रिप्लाई। और पहले 2/3 जो पेज का पोर्शन है उसमें केवल ये है कि कब से कहानी शुरू हुई, अब क्या पोजीशन है, और उसमें जो 8 से 10 लाइन के बीच में इसको फिनिश किया गया है। लेकिन कुछ बातें अब भी ऐसी हैं कि जो बैंकर्स के मन में जिज्ञासा है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मॉर्निंग सेशन में वर्कमैन यूनियन के साथ डिस्कशन हुआ और मेनली द ड्राफ्ट ऑफ द सेटलमेंट ज्वाइंट नोट वाज डिस्कस्ड एंड मोस्टली फाइनलाइज्ड। जो बातें फाइनलाइज्ड हो गई हैं, जैसे कि जो पता है हमको कि वेज स्ट्रक्चर क्या है, डीए का रेट फार्मूला क्या है और बाकी छोटी छोटी बातें, स्प्लिट अलाउंस क्या है, पे स्पेशल पे क्या होगा, सब कुछ है। बट द मेजर इशू वाज व्हाट अबाउट द स्पेशल अलाउंस। आपने डिस्कस नहीं किया, द मैटर वाज सब जुडिस, बट आपने एग्री कितने पे किया। एक बार एक मीटिंग में श्री संजीव बंदलिस ने यह बोला था कि 26.7, तो फॉर विच क्लरिकल कैडर के लिए, ऑफिसर कैडर के लिए, किस स्केल के लिए, इस बारे में कोई भी फोकस अभी तक यूनियन या एसोसिएशन की तरफ से नहीं आया है। जो मेन मुद्दा है दूसरा था, जब सोशल मीडिया पे बातें आ रही थी तो कि अवार्ड स्टाफ के डिजिनेशन चेंज होने वाले हैं, उनके पासिंग पावर्स बढ़ने वाले हैं, और तब AIBA ने कहा था कि आप इन फेक बातों पे ध्यान ना करिए। उसके बारे में क्या डिस्कशन है, क्या वो अप्रूव हो रहा है, क्या ड्राफ्ट सेटलमेंट में वो बातें इंक्लूड हैं, इस बारे में कोई भी राय यूनियन के लोगों ने जाहिर नहीं किया। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, इट मीन्स वो बातें सच हैं, पासिंग पावर बढ़ने के बारे में, डिजिनेशन चेंज होने के बारे में ये बातें सच नजर आ रही हैं। फिर बात करते हैं 5-day banking। 5-day banking का प्रपोजल पिछले 2-3 महीने से पेंडिंग है, उसके बारे में अपडेट क्या है, किन्हीं कारणों से रुकने का पर्व, जब एक बार ऑलरेडी MOU में साइन हो गया और इस बात पे इन प्रिंसिपल एग्रीड एक कंसेंट बन गया, फिर बारे में डिले क्यों है। हालांकि इस बारे में मैंने भी 27 जनवरी को एक RTI DFS को लगाया है, लेकिन उसका भी रिप्लाई 26 फरवरी से पहले नहीं आएगा और एज स्टीरियोटाइप रिप्लाई आएगा। फिर बात करते हैं पेंशनर्स के बारे में एक चीज लिखा हुआ है, द फॉर्मूला फॉर एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर इज बीइंग फाइन ट्यून्ड एंड विल बी फाइनलाइज शॉर्टली। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके कोई यूनियन नहीं चलता है, फाइन ट्यून्ड किया जाएगा। क्या मतलब इसका, आपने कभी भी नहीं बताया कि क्राइटेरिया क्या होगा, एज वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा, स्केल वाइज होगा, क्या होगा, या एक फिक्स्ड सर्टेन अमाउंट होगा, जैसे कि आप प्री नवंबर 86 के रिटायरीज को 450 और 800 देते थे, क्या होगा। अधर में लटकाने वाला बात। और फिर लास्ट लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ें,
क्योंकि सारे सर्कुलर जो भी आए हैं यूनियन से सब एक ही तरह के हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल द रिमेनिंग इश्यूज इंक्लूडिंग द क्लियरेंस ऑफ 5 डे बैंकिंग आर टू बी एक्सपेडाइटेड इन दैट सो दैट द सेटलमेंट ज्वाइंट नोट कैन बी साइंड एट द अर्लीस्ट एंड विदाउट हसल। यहां पे विदाउट एनी हसल, जब आपने सब मान लिया आईबीए के अनुसार, फिर हसल किस बात का? हसल तो तब होता जब आपने उनके किसी बात का विरोध किया होता, आपने डीए फार्मूला में कुछ पता चेंज किया होता, वेज स्ट्रक्चर में कोई चेंज किया होता, आपने पेंशनर के पेंशन अपडेशन के बारे में बात की होती, तो सब जब एग्रीड है सब कुछ, इवन ऑफिसर एसोसिएशन के एक सर्कुलर एक मैसेज में कहा गया था कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट के बारे में आईबी के रिप्रेजेंटेटिव ने इसको प्रेजेंट किया, तो क्या सब कुछ ठीक है? फीडबैक मांगा तो आपने क्या फीडबैक दिया? कुल मिला के यूनियन एसोसिएशन अपने ही मेंबर्स को डार्क में रख के सब काम करती हैं और ज्यादा से ज्यादा वही काम करती हैं जिससे मेंबर्स का बहुत ज्यादा हित ना हो पाए। 5 डे बैंकिंग, पेंशन एक्सग्रेसिया और स्पेशल अलाउंस, ये तीन मुद्दे वेज नेगोशिएशन के पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे जब तक कि इनका सेटलमेंट ना हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।